हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज की जो हम वैकेंसी लेके आए हैं वो लाए हैं भारतीय सेना में पोर्टरों की भर्ती। ठीक है, भारतीय सेना में पोर्टरों की भर्ती। तो ये किस तरह से कहाँ कहाँ वैकेंसी है मैं आपको डिटेल बताऊंगा और कैसे इसमें अप्लाई करना है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है आप खुद ही जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आप समझदार खुद ही हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए। तो पोर्टर कंपनी के लिए पोर्टरों की भर्ती कुमाऊं स्काउट्स धारचूला पिथौरागढ़ में की जाएगी। कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जो जगह का नाम है स्काउट धारचूला पिथौरागढ़ उत्तरांचल में, यानी उत्तराखंड में की जाएगी। यार बार बार ये उत्तरांचल नाम आ जाता है, ठीक है। इसकी जो अवधि होगी 179 दिन के लिए होगी, यानी कि कुल मिलाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने दिन की वैकेंसी होगी और बाद में इसको एक्सटेंडिव या फिर एग्रेसिव किया जा सकता है, एक्सटेंडेड किया जा सकता है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो मेट और ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है वो 51 है, और उसके अलावा पोर्टर और सफाई वाला की वैकेंसी 549, यानी कुल मिलाकर 600 पदों की ये भर्ती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी योग्यता के अनुसार इसमें कौन सा फिट बैठता है। उसके अलावा जो इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो योग्यताएं हैं, सबसे पहले आपको भारत का निवासी होना चाहिए। अगर आप नेपाल और भूटान के नागरिक हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 1 जून 2020 को 18 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। और भर्ती कब होगी, कहाँ पे होगी, ऑलरेडी मैंने बता ही चुका हूँ आपको कहाँ पे होगी और कब होगी। ये होगी 5 जून से लेकर 8 जून के बीच होगी, सुबह 8 बजे से लेकर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कहाँ पे होगी कि स्काउट धारचूला पिथौरागढ़ में, स्काउट धारचूला पिथौरागढ़ में कब होगी, 5 से लेकर 8 जून के बीच में होगी और सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उसके अलावा आपको अपने साथ साथ क्या क्या लेके जाना है, आपको फोटोग्राफ स्वयं का, वारिस के साथ साथ जो आपकी फोटो कॉपी होंगी 6 आपका होगा, उसके अलावा जो फोटोग्राफ होंगी उसकी भी आपको 6 सेट लेके जाना होगा। ठीक है, इसके अलावा राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डेट ऑफ सर्टिफिकेट, उसके अलावा कोई आधार कार्ड या फिर कोई आईडी, उसके अलावा निकट पुलिस थाने से पुलिस जांच प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि आपके अंदर कोविड का कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि देखिए एक नया, देखिए अब ये जो भविष्य में आने वाली जो भर्तियां ना उनका पूरा रंग रूप स्वरूप बदलने वाला है, कैसे, इस कोविड की वजह से। ठीक है, उसके अलावा ग्राम प्रधान के द्वारा कोई सहमति पत्र। ठीक है, उसके अलावा अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, जो कि कम से कम ये दर्शाए कि आप 14 डेज क्वारंटाइन में नहीं थे या फिर इस तरह से कि आप बस फिट थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो भर्तियां हैं उसकी डिटेल भी बताई है, जैसे ट्रेडमैन की 51 है, उसका वेतन कितना होगा 18,000। ठीक है, दैनिक भत्ता कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दोनों वैकेंसियों की भर्तियों की डिटेल वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपको 6 व्यक्ति को 6 दिनों के निरंतर अवधि में 7 दिन अवकाश दिया जाएगा। तो ये काफ़ी गाइडलाइंस हैं तो जो आपको इसमें पालन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको सेना में जाना है तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप #askwithpn, ध्यान दीजिएगा #askwithpn पे टैग करके हमको अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज के थ्रू आप हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाइए, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।